तो किताबें हैं। सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई लड़ी गई, फाइनल पहुंची कि नहीं पहुंची? इसी तरह एक झूठ जैसी आता है, अब नया चलने लगा है। सुभाष चंद्र बोस में फंस गए, बोलो अब नहीं कुछ कहते। तो आप कहते हैं वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, उसके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम कर दिया है, तबीयत से किया है। अभी हमने जेएनयू में 3-3 घंटे का 2 बार सावरकर पे हमने नाटक किया, कोई चिल्लाने नहीं आया भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनको लगा वीर सावरकर जेएनयू में आ गए हैं तो अब टुकड़े किसके होंगे ये तय हो चुका है। आप कन्विक्शन के साथ काम कीजिए। पूरी मुहिम हम लोगों ने देश में छोड़ी हुई है कि 2-3 झूठ सावरकर के बारे में जो हैं वो कोई मेरी किताब से नहीं है। जो लोग सावरकर के बारे में आज ये तय कर रहे हैं कि वो वीर नहीं थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा वो वीर नहीं थे क्योंकि वो खुद बहुत वीर हैं, उनकी वीरता का चमत्कार सबने देखा है, 70 साल से 10 जनपद की जूतियों में पड़े थे। उन्होंने कहा कि वीर नहीं है, उन्होंने किताब से हटा दिया। भाई चलिए आपकी सरकार आ गई, आप यही तो कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तथ्य पब्लिक डोमेन में मैं देना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल अकाउंट से 11,000 रुपए का चेक वीर सावरकर स्मारक को दिया और एक फंक्शन में उनको इनवाइट किया गया, उनके हाथ की सिग्नेचर है ओरिजिनल, और उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जैसा सपूत भारत ने पैदा किया, इसके लिए गर्व है मुझे। अब अगर इंदिरा गांधी यह कह रही हैं तो गहलोत जी जो अपना नाम ढंग से नहीं ले पाते वो वीर सावरकर का क्या लेंगे? वो वीर सावरकर को सर्टिफिकेट देंगे? इनकी यह हैसियत है इन बोनों की कि ये वीर सावरकर के ऊपर उंगली उठाएंगे, क्योंकि उनको यह बताया गया है कि जब वीर सावरकर बिलपिट मोरिया से कूद रहे थे समुद्र में, तब नेहरू जी कहां कूद रहे थे पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला कौन सी जगह कूद रहे थे, कभी तकिया लेके कूद रहे थे, कभी कुछ लेके कूद रहे थे, वो कूद का ही खेल खेलते रहते थे। और जिस जेल में या जिस तथाकथित गेस्ट हाउस में बंद होते थे, देखिए ये चीज पब्लिक डोमेन में है, मेरे प्रेजेंट करने के तरीका हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू को जब जब नजरबंद किया गया तो उनसे सुबह पूछा जाता था कि आप नाश्ते में क्या लेंगे, कौन सा अखबार पढ़ेंगे, और वो इतनी फुर्सत में थे कि सुबह भी डियर इंदू को फोन लिखते थे चिट्ठी, दोपहर में भी डियर इंदू, रात में भी डियर इंदू। जो आदमी अंडमान निकोबार में बंद था उसे साल में एक चिट्ठी लिखने का अधिकार था। उस जैसी यातना सोच करके आज के 90% कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में हमने तथ्यात्मक स्टडी नहीं की, इसलिए मैंने कहा कि 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष था मिस्टर कॉलर ने क्या लिखा है वीर सावरकर के बारे में, जरा वो पढ़ लें। कॉलर साहब को तो दिल्ली में सरकार नहीं बनानी थी, उन्हें तो किसी की चापलूसी नहीं करनी थी। उन्होंने कहा एक ऐसा शख्स जो अपना मूल छोड़ करके जिस मूल ने उसको गुलाम बनाया है वहां खड़े होने की लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन इस देश के लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं, इतना महान आदमी। लेकिन हमने कॉलर का रेफरेंस नहीं दिया, हमने इंदिरा गांधी का रेफरेंस नहीं दिया, उन्होंने अपनी जेब से 11,000 रुपए जो दिए उसका रेफरेंस नहीं दिया, हमने वीर सावर स्मारक के अंदर बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने जगजीवन राम को भेजा कि आप जाइए, हमने उसका रेफरेंस नहीं दिया। तो हम पढ़े नहीं, उस गैप का फायदा उठाया। अब आप पढ़ने लगे हैं और यह इत्तफाक की बात है कि आपने पढ़ाई 2014 से शुरू की है। अब आप पूरा माजरा देखिए कि सोसाइटी भी कॉर्नर कर रही है और जो आप नैरेटिव दे रहे हैं लोग उसको सिर्फ मान ही नहीं रहे, उसकी पूरी विवेचना करते हैं, और फिर जो लोग देते हैं नैरेटिव उनसे ज्यादा ताकत से वो रखते हैं सामने, आज किताबों के रेफरेंस दे रहे हैं। इसलिए जो पार्टी आदर्शवाद पे चली थी वो एक फूल दो माली से होते हुए 303 पहुंच गई, और जिनकी सत्ता 70 साल से थी उनके पास विपक्ष का भी पद नहीं है आजकल। तो ये आपकी ताकत है, लेकिन सत्ता का बदलना न बदलना ये एक बहुत छोटा सा रूप है। मैं मानता हूं कि समाज जब बदल जाता है तो राष्ट्र बच जाता है। मेरी सबसे अपील यही है, सरकार में ये रहेंगे, दूसरी बार कोई और एमपी आ जाएगा, तीसरी बार कोई रहे, ये साइकिल चलती रहे, लेकिन ये समाज तय कर दे
कि जो हम चाहते हैं, जिसे हमारा भरोसा होगा, वही एमपी बनेगा, नहीं दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए सरकार बनाने के लिए आप वोट देते हैं, सरकार बनाने के लिए दीजिए, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। राष्ट्र खतरे में है, तो जो चुनौतियां आपको आज दिख रही हैं, इन चुनौतियों से आप वाकिफ हो चुके होंगे कि इस देश की खुफिया एजेंसी का एक एक्स रॉ का डायरेक्टर, एक चीफ सर्वे सर्वा, वो इसी नेक्सस का खिलाड़ी है, कमाल का रॉ का चीफ है, आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर किताब लिखता है, कमाल का गठजोड़ है भाई। और किताब दिल्ली में, और आईएसआई का चीफ यहां नहीं आ सकता था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनके महान विचार लिए जा रहे हैं। उसने कहा है कि इसके करने से आतंकवाद बढ़ेगा। एक इंडस्ट्री चल रही थी कश्मीर के नाम पे जिसमें खरबों रुपया इन्वेस्ट था, खरबों रुपया था। मुझे नहीं पता कि आपको इस बात का इल्म है कि नहीं, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम जानते हैं आप लोग हैं? ये क्या बला है जी? देखिए, बला तो अमरबेल भी होती है, उसका भी इलाज होता है। 1993 में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और शायद फॉरेन सेक्रेटरी राफेल और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोकर, ये उन दोनों की राजनीति की नाजायज औलाद है। इसलिए सक्सेसिव सरकारें आई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सक्सेसिव सरकारें आई, ये 93 में बनी और इनको कहा गया कि ये हमारे लोग हैं, इनको आप नहीं छेड़ेंगे। उसमें अमेरिका का बड़ा रोल था। इसलिए आपके यहां जब सरकारें आई तो ये बात सार्वजनिक मंचों पे सरकारें नहीं बता सकती, उनकी मजबूरियां होती हैं और नहीं भी बतानी चाहिए। हजारों कंप्रोमाइजेज ऐसे होते हैं इस देश में कि किन कारणों से आप करते हैं, जब समय आता है तो आप उसको समाप्त कर देते हैं। 93 से लेकर के 2014 तक उनका सालाना बजट 100 करोड़ रुपए था जो केंद्र सरकार उठाती थी, उनके चलने उठने बैठने दवा पेट्रोल सब कुछ, क्योंकि आपकी स्थिति वो नहीं थी कि आप अमेरिका को जवाब दे सके। आपकी जब स्थिति आई तो अमेरिका ने कहा कि अब हमारा उनसे कोई लेना देना, आप जो दिल चाहे करें। मैं बार बार अपनी कोई घटना का जिक्र इसलिए आपके अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करना चाहता हूं। आपने मोदी पैदा किया, आपने अमित शाह पैदा किए, और भी आप करेंगे, लेकिन आप ये माने कि सिर्फ दो लोगों से देश नहीं बचेगा, हजारों ऐसे एजेंडे चल रहे हैं जो आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे, और इसके बाद जो चुनौतियां हैं वो खतरनाक चुनौतियां हैं, उसमें समाज की भागीदारी जरूरी है। और आपके सोने से क्या हुआ, आप गुजरात के लोग हैं, आपने बाहर वालों को गले लगाया, पूरे देश में हमारे यहां एक मानसिकता बन गई है हर काम सरकार करेगी, ये नहीं हो रहा सरकार क्यों नहीं कर रही, और अब तो मजबूरी होगी सरकार का मतलब मोदी हो गया है। हर आदमी कहता है मोदी ने बताओ कल पूछा क्यों नहीं कि हम सही सही टाइम पर सो गए, अब इतना हम उम्मीद करने लगे हैं क्योंकि एक आदमी समाज के प्रति जवाबदेह होना हो रहा है, तो अब आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब तो हमारी पर्सनल 1-to-1 बात सुनो भाई। आपकी खामोशी ने और इग्नोरेंस ने इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी बस गए। आपकी खामोशी की वजह से जिस हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को जम्मू कश्मीर में जाने बसने नौकरी कारोबार करने के लिए परमिशन लेनी होती थी वहां की सरकार की कि आप हमें नागरिकता देंगे तब आप वहां जाएंगे, तब आप बस सकते हैं, तब नौकरी कर सकते हैं, तब चुनाव लड़ सकते हैं, तब वोट डाल सकते हैं, वहां 98,000 रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से चल के पहुंच गया, हमारे देश में उस पर चर्चा नहीं हुई। उनके पास आधार भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल है, अब वो बस गए। कुछ दिन बाद ये होगा कि बच्चा छोड़ो भाई अब क्या करें, इनको कहां निकालें, खत्म कहानी। इस देश में जो लोग सीधे तौर पे सत्ता पे नहीं पहुंच सकते, उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इस देश में डेमोग्राफी चेंज कर दो,
और ये डेमोग्राफी चेंज करने का जो पहला उदाहरण है वो भी उसी जन्नत से आया है जिस जन्नत को सही में जन्नत बनाने निकला एक आदमी। हमने कुछ कुछ घटनाओं के बारे में कभी चिंता ही नहीं की। एक शख्स मुफ्ती मोहम्मद सईद 86 में चीफ मिनिस्टर था। यह घटना अवेलेबल है आज तो आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, बल्कि जब ज्यादा गुजराती जाएंगे कश्मीर आप सिर्फ ये अनाउंस कर दीजिए गुजरात समाचार में कि 100 गुजराती कल कश्मीर जा रहे हैं वैली देखने। कुछ लोग टॉर्च लेके देखेंगे कहां कहां गए हैं, उनको लगेगा कि ये तो बगैर इंची टेप के हो सकता है इतनी जमीन कल इनकी हो जाए। तो अब तो आपके पास परमिशन है, कोई रोक नहीं रहा है। जैसे आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, सब जगह हैं, वहां भी आप चले जाएं। तो आप सोचिए कि 1986 में ये ट्रायल किया गया, ये टेस्टिंग की गई, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पहली बार महबूबा मुफ्ती के अब्बा जान उनके रहते हुए 500 कश्मीर में मंदिर तोड़े गए थे उनकी चीफ मिनिस्ट्री में। वो पहला टेस्ट था कि कश्मीर में रिएक्शन कैसा होगा और देश में कैसा होगा। आपने रिएक्ट नहीं किया तो 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ? जिस शख्स को पहली बार उसी राज्य का इस देश का पहला आदमी, पहला मुसलमान इस देश का गृह मंत्री बना 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार में, उस आदमी ने 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को अपनी बेटी को गायब कर दिया और पहली बार 4 बड़े आतंकवादी छोड़े गए। फिर तो यह सिलसिला इतना खूबसूरत था। फिर गुलाम नबी आजाद के घर से कोई चला गया, 27 आतंकवादी छोड़े, फिर सैफुद्दीन साहब के घर से कोई चली गई, फिर छोड़े, लेकिन वो कब कौन गया कौन आया ये नहीं, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। वो आदमी भारत का गृह मंत्री बना जिसने 1986 में 550 मंदिरों को कश्मीर में टूटा तुड़वाया, सरकार ने उस पर कोई जोर नहीं दिया और दिल्ली वाले तो खामोश थे। 90 में वो आदमी 2 दिसंबर 1989 को शपथ लेता है और 19 जनवरी तक मात्र 40 दिन होते हैं उसके होम मिनिस्टर बने हुए, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड, आधुनिक दुनिया में इससे बड़ा जिनोसाइड नहीं हुआ कि अपने देश के उस धरती के कृष्यप ऋषि की संतानें जो उस धरती के मूल निवासी थे उनको धर्म और उनकी पहचान के नाम को आपने मस्जिदों और इस्लाम और कुरान का सहारा लेकर के मारा पीटा रेप किया मर्डर किया, वो अपनी धरती से बेघर हो गए। मात्र 40 दिन के अंदर ये अपरेटस काम किया।